आप सभी को नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मॉर्निंग में लाइव सेशन आपका नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम की समस्या चल रही है जिसके कारण बोलने में समस्या हो रही थी और आपके लिए सुबह में मैं कक्षा नहीं ले आ पाया था। लेकिन आगे से, कल से, जिस तरह से आपका शेड्यूल है, सोमवार से शनिवार प्रत्येक दिन सुबह 8:30 बजे लाइव सेशन आपके UKPSC एकेडमी पर देखने को मिलेगा। उस दौरान आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँ। तो चलिए, आज का, क्योंकि छूटना नहीं चाहिए, करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि कुछ भी छूटने ना पाए। प्रत्येक दिन जो हमारा बना है, एक रिदम जो हमारा बन जाता है, उसको हमें लेकर साथ चलना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आपकी कक्षा ना छूटे, तो प्रयास किया है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आज आपको वीडियो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न। और 3 अक्टूबर, विशेषकर आज हम जो देखने वाले हैं प्रश्न, 3 अक्टूबर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपको पहला प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बोला जा रहा है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें इस प्रकार के जो हमारे, आप कह सकते हो कि जो नेतृत्व करता है हमारे देश के, या जो हमारे प्रमुख मंत्रालय हैं उनसे संबंधित, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो उससे संदर्भित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस बार के लिए आप पहला, सबसे पहला याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के बाद जो पहली यात्रा की है वो बांग्लादेश की है। ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यदि विदेशी यात्राओं से संबंधित है तो वही प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अब आप थोड़ा सा यदि आप गौर करें तो आपको देखने को मिल गया कि यदि आपको अभी तक नहीं पता रहा होगा कि हमारे विदेश सचिव कौन है, तो यहां से आपको जानकारी मिल गई कि आपके विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तो एक जानकारी यहां से आपको मिल गई कि हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे विदेश सचिव हैं। अब पूछा जा रहा है किस देश की यात्रा पर गए, इटली, श्रीलंका, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं इनमें से किस देश की यात्रा पर गए हैं। चले अब हम बता देते हैं, क्योंकि लाइव सेशन तो है नहीं कि हम आपको समय दें, लेकिन आपको प्रयास करना है जब भी कोई प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखे तो उसको स्टॉप करिए, रोकिए और उसका उत्तर पहले विचार करिए, फिर उसको आगे उस क्लिप को बढ़ाएं। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अभी हाल ही में हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि विदेश सचिव हैं, ये श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, आप जानते हैं। जयवर्धनेपुरम कोट्टे भी इसकी राजधानी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ कई बार पूछा जाता है कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि कौन है, तो आपको याद रखना है पाक जल संधि है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि? पाक जल संधि है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम एक सैन्य अभ्यास भी करते हैं जिसका नाम है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति नामक सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के साथ करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आज का आपका पहला होमवर्क है कि समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास हम किस देश के साथ करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारत और श्रीलंका के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो पिछले दिनों जो कि कोलंबो पोर्ट था, उसका ईस्टर्न टर्मिनल था जिसको भारत और जापान मिलकर विकसित कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने हाल ही में घोषणा किया कि वह स्वयं से इसको विकसित करेगा। मतलब वो जो प्रोजेक्ट भारत और जापान के हाथ में था उसको श्रीलंका ने वापस ले लिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि किस पोर्ट से श्रीलंका ने भारत और जापान को हटा दिया, किस पोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यक्रम से हटा दिया, तो वो कोलंबो पोर्ट का ईस्टर्न टर्मिनल है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, मैं तो यही कहूँगा बार बार आपसे। चलिए इसको बताएं, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी बीरचंद्र गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण किसने किया। बीरचंद्र गढ़वाली एक स्वतंत्रता सेनानी थे, विशेषकर कराची, आप जानते होंगे कराची का आपने नाम सुना होगा, सॉरी पेशावर कांड में इनकी महती भूमिका थी। साथ ही साथ ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे उत्तराखंड के। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनकी प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया। 4 नाम आपको दिए हुए हैं, इनमें से किसने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। तो आपको बता दें राजनाथ सिंह द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब राजनाथ सिंह ने किया है, विशेष रूप से जो
वीरचंद्र गढ़वाली हैं, ये उत्तराखंड के हैं, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो इनकी दो राजधानियां हैं, पहला है देहरादून, दूसरा है गैरसैंण। ये आपको पता होना चाहिए, दो राजधानियां इनकी देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और राज्यपाल यहाँ पे हैं, ये आपको याद होना चाहिए, गुरमीत सिंह। बेबी रानी मौर्य अब राज्यपाल नहीं है यहाँ पे, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह यहाँ मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड को अभी हाल ही में पहला रामसर स्थल मिला है। अभी तक उत्तराखंड में कोई रामसर स्थल, रामसर साइट नहीं हुआ करता था, और उत्तराखंड का जो पहला रामसर स्थल है उसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ये उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार वीडियो देख रहे हों, पहली बार तैयारी करने आप प्रारंभ किए हों, तो आपको ना पता हो कि रामसर स्थल क्या होता है, तो आपको बता दें, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने से संबंधित एक वैश्विक स्तर का समझौता था, जिसको 2 फरवरी 1971 को संपन्न कराया गया था। और जब 2 फरवरी 1971 के समझौता हुआ था तो ईरान देश है, ईरान देश के रामसर नामक स्थल पर यह समझौता हुआ था, जिसके कारण हम इसको रामसर साइट का नाम, रामसर समझौते का नाम दे दिए हैं। और प्रत्येक वर्ष आप जानते हो कि बहुत सारे स्थलों को इनमें जोड़ा जाता है, और इसमें आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका उत्तराखंड का पहला स्थल बना था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपके लिए दूसरा होमवर्क पूछ रहा हूँ कि कीथम लेख बताना ज़रूर है, कीथम लेख ये कहाँ पर है, कीथम नामक झील कहाँ पर है, किस राज्य में है, आपको बताना है। दूसरा होमवर्क आपका है कीथम झील कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया, दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, श्रीनगर, लेह, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। चलिए जवाब दीजिएगा कि दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया, आपको बताना है। चलें बताएं, जवाब दीजिएगा। अब आज में यदि कोई समस्या है आज तो आज प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। चले बताएं कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, दुनिया के सबसे बड़े, याद रखिएगा, खादी राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अब लेह में किया गया तो लेह और लद्दाख आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में इस समय एक परियोजना चली जिसका नाम है रीवा प्रोजेक्ट। रीवा प्रोजेक्ट क्या है, रीवा प्रोजेक्ट है बच्चों को, जो आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको फ्री कोचिंग देने के लिए। इसी तरह की एक कोचिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार चला रही है जिसका नाम है अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय कोचिंग उत्तर प्रदेश चला रही है, ये रीवा की बात हो रही है, ये चला रही है लद्दाख गवर्नमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी का परेड हुआ था, आपको पता है प्रत्येक वर्ष होता है। और यहाँ पे एक मोनेस्ट्री को, लद्दाख की जो झांकी थी उसमें एक मोनेस्ट्री को प्रदर्शित किया गया था, वो मोनेस्ट्री आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसका नाम है थिकसे मोनेस्ट्री, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 26 जनवरी को जो परेड हुआ था वहाँ पे लद्दाख की झांकी में थिकसे मोनेस्ट्री को प्रदर्शित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे है एक दर्रा है जिसका नाम है उमलिंगला दर्रा। और उमलिंगला दर्रा आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि लद्दाख में है उमलिंगला दर्रा। क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाई गई है। क्या बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क जो बनाई गई है वो उमलिंगला दर्रा में बनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। बनाता कौन है, तो बनाता है BRO, याद रखिएगा, बॉर्डर से संबंधित, बॉर्डर के जो हमारे राज्य हैं
बॉर्डर के राज्यों में यदि कोई सड़क निर्माण होता है, विशेषकर बॉर्डर के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कोई पुल का निर्माण होता है, तो ज़्यादातर जो कार्यक्रम है वो BRO संचालित करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संचालित करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उमलिंगला दर्रा जो कि लद्दाख में देखने को मिलता है, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊँची मोटरेबल सड़क बनाई गई और इसको बनाया है BRO ने, इतनी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको लद्दाख के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे भी आपका जवाब इस प्रश्न का था कि लेह में आपको भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र भी देखने को मिलेगा। लेह में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र भी देखने को मिलेगा, यह भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख के कल्चर को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था, यह आपको पता होना चाहिए, जी किशन रेड्डी समिति बनाई गई थी, जो लद्दाख की सभ्यता और भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए था। तो ये भी आपको याद रखना है, जी किशन रेड्डी समिति किसके लिए बनाई गई थी, लद्दाख की कल्चर को, लद्दाख के लैंग्वेज को संरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार आपसे बताता हूँ, यदि आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो आप नोट्स, जैसे इस करंट अफेयर्स को देखकर जो आप नोट्स तैयार करते हैं उसको राज्यवार करिएगा। जैसे प्रत्येक राज्य का एक पेज बना लीजिए, और उस राज्य से संबंधित जब मैं कोई घटनाक्रम किसी भी दिन बताऊं या आप स्वयं से भी कहीं पढ़ें तो उसी पेज में जाके नोट करें। ठीक है, A4 साइज का बंडल ले लीजिए, ठीक है, या कोई कॉपी ले लीजिए, उसमें राज्यवार पेज बना लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि A4 साइज का पेज ले लीजिए, उस पर राज्यवार नोट्स बनाएं, राज्यवार फैक्ट अलग नोट करें, फिर इसके संदर्भ में अलग से, जैसे मंत्रालय विशेष का कोई होता है या भारत में विविध घटनाक्रमों से संबंधित कोई होता है तो उसको अलग नोट कर लें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में कुछ होता है तो उसको आप अलग नोट कर लें, कुछ देश हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं दूसरे तीसरे दिन, जैसे चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इजराइल हो गया, तो इनको, इनके लिए भी अलग अलग एक पेज बना लें, इनसे संबंधित जो घटनाक्रम होते हैं इनको नोट कर लें। DRDO का एक अलग पेज बनाइए, इसरो का एक अलग पेज बनाइए, नासा का एक अलग पेज बनाइए, क्योंकि ये तीन महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, और यदि आप क्या करते हो कि प्रत्येक दिन का एक साथ नोट करते हो तो उसको आपको जो है याद करने में समस्या होगी और बहुत सारी समस्याएं उससे आपको देखने को मिलेंगी। तो राज्यवार नोट करिए, क्षेत्रवाइज नोट करिए, देशवाइज नोट करिए। ठीक है, तो इससे आपकी चीजें बहुत ही बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे है, हाल ही में किस देश ने 0.06 के साथ एक नई मुद्रा पेश की है, 0.06 के साथ एक नई मुद्रा पेश की है, मतलब की है कि जैसे 0.06 मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 0.06 कम, ठीक है, इसके बाद कोई संख्या यहाँ पे आती है, मतलब 1,00,000 की कोई संख्या। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि अब 10 लाख बोलीवर बराबर 1 बोलीवर के होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझना है कि बोलीवर किसकी मुद्रा है, तो बोलीवर जो मुद्रा है यह है वेनेजुएला की। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर हो गया वेनेजुएला। अब क्योंकि वेनेजुएला जो है बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा है, मंदी के संकट से गुजर रहा है, बहुत आर्थिक समस्याएं हैं वहाँ पे, मुद्रा जो है उसकी, आप कह सकते हो उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, आज वहाँ पे यदि जाते हो आप एक कोल्ड ड्रिंक की भी बोतल खरीदते हो तो कम से कम 10 से 20 लाख बोलीवर आपको देना पड़ेगा। तो समझ सकते हो मुद्रा का किस प्रकार से वहाँ पे समस्या जनरेट हुई है। तो अब इन्होंने एक नई मुद्रा जनरेट की है, क्योंकि मुद्रा इसलिए जनरेट इनको करनी पड़ गई है क्योंकि जो चीजें पहले क्या था, 1 बोलीवर की जो बराबरी थी वो कितने हो गई है, 10 लाख के बराबर हो गई है। तो मतलब 1 बोलीवर का जो पहले सामान हुआ करता था वो आज 10 लाख बोलीवर में मिल रहा है। तो इससे क्या होता था, लोगों को समस्याएं होती थी, मतलब कि जो 10 लाख किसी को दोगे आप तब फिर वो आपको 1 बोलीवर का सामान देगा, काउंटिंग करने में समस्या, रखने में समस्या, क्योंकि नोट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो इससे निपटने के लिए इन्होंने क्या घोषित कर दिया कि भैया 10 लाख बोलीवर मतलब 1 बोलीवर, मतलब अब आज की तिथि में यदि आप किसी को 1 बोलीवर का नोट देते हो तो उसका मतलब है आपने उसको 10 लाख
बोलीवर का दिया है। तो जैसे 10 लाख बोलीवर में जितनी नोटें लगती थी मान लो, उसके स्थान पे अब एक नोट का प्रयोग आप कर सकते हो। इससे सुविधाजनक एक प्रकार से हो गया है कि अब आपको नोटों का गट्ठर लेकर कहीं नहीं जाना होगा, सीमित मात्रा में आप लेकर जाओगे तो उसकी वैल्यू इतने के बराबर हो गई है। तो एक बोलीवर बराबर आज 10 लाख बोलीवर के हो गया है। तो इसी में इन्होंने कहा है 6 कम शून्य के साथ, मतलब 10 लाख बोलीवर जब हम करते थे तो उसमें 6 शून्य होता था 10 लाख में, अब उसको घटाकर कर दिया गया है कि एक के साथ, ठीक है। तो एक बोलीवर के बराबर हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अब वहाँ पे 10 लाख बोलीवर की जो मुद्रा है उसको एक बोलीवर के अधीन कर दिया गया है, एक बोलीवर के अंतर्गत कर दिया गया है। ये देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला आप जानते हो दक्षिण अमेरिका का देश है, तेल में समृद्ध है, ओपेक का सदस्य भी है, ओपेक का ये सदस्य देश है, ठीक है। और ओपेक का सदस्य देश होने के साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि ओपेक का सदस्य है तो तेल का उत्पादन यहाँ से होता होगा। और यहाँ पे एक झील है जिसको बोलते हैं माराकाइबो, माराकाइबो झील, जहाँ से तेल का उत्पादन किया जाता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि माराकाइबो झील कहाँ पे है, तो आपको टिक करना है कि माराकाइबो झील जो है ये वेनेजुएला में है। यदि आप थोड़े से भी गंभीर हैं अपनी परीक्षा के लिए, तो जैसे मैंने आपको माराकाइबो झील बताया, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर एटलस ओपन करो और माराकाइबो झील जहाँ आपको देखने को मिलती है वहाँ उसको अंडरलाइन करो। इसके साथ साथ बता दें, दक्षिण अमेरिका से संबंधित एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ के दो स्थलरुद्ध देश कौन से हैं। दो ही स्थलरुद्ध यहाँ पे देश है, पहला है बोलीविया और दूसरा यहाँ पे है पराग्वे। तो बोलीविया और पराग्वे ये दो स्थलरुद्ध देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से आप सामान्य प्रश्न यदि दक्षिण अमेरिका से बनता है तो आपको इसको कर ले जाएंगे। इसको बताएं, हाल ही में कौन सा देश 2028 में चंद्रमा पर क्रू जांच भेजने के लिए सक्षम रॉकेट लॉन्च करेगा, मतलब क्रू भेजने के लिए, चंद्रमा पर क्रू भेजने के लिए एक रॉकेट का प्रयोग कर रहा है, एक रॉकेट का निर्माण कर रहा है, वो कौन सा है बताएं। कौन सा देश है जो चंद्रमा पर पहुंचने के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करने वाला है, आपको बताना है। रूस, जापान, चीन या इनमें से कोई नहीं। चले जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आपको बता दें इसका सही उत्तर है चीन, ठीक है। चीन की राजधानी है बीजिंग, आप जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। CNSA यहाँ की अंतरिक्ष कंपनी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। और ज़्यादातर जो ये रॉकेट प्रयोग करते हैं इनका नाम होता है लॉन्ग मार्च। ज़्यादातर चीन जो रॉकेट प्रयोग करता है वो लॉन्ग मार्च श्रेणी का रॉकेट प्रयोग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चीन विश्व, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम चीन बनाया है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम चीन ने बनाया है। मार्स रोवर इनका था जिसका नाम था झुरोंग, याद रखिएगा, इनका एक मार्स रोवर था झुरोंग, जिसको इन्होंने सफलतापूर्वक उतारा है मंगल पर। झुरोंग नामक इनका मार्स रोवर था, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने हाई स्पीड मैगलेव का भी हाल ही में परीक्षण किया है, ये आपको पता होना चाहिए। मैगलेव ट्रेन का इन्होंने हाल ही में परीक्षण किया है। और इसके साथ साथ यह भी जानना है कि ई कचरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है पूरे विश्व में, वो है चीन। तो चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, बताएं। टेस्ट क्रिकेट हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इस समय टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाया। तो आपको बता दें इनका सही जवाब है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने अपने दूसरे दिन टेस्ट मैच के दूसरे दिन इन्होंने शतक लगाया और बेहतरीन प्रदर्शन किया इन्होंने, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है स्मृति मंदाना, क्योंकि आप जानते हो कि भारत के लिए खेलती हैं, भारत की क्रिकेट की जो गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं
BCCI, ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी बॉडी है, उसको बोलते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ग्रेग बार्कले इसके प्रमुख हैं, चेयरपर्सन हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ग्रेग बार्कले इनके चेयरपर्सन हैं। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि महिलाओं का, क्योंकि बात हो रही है महिला क्रिकेट की, तो आपको बता दें महिला क्रिकेट का जो विश्व कप 2021 में होना था कोविड के चलते नहीं हो पाया, इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा न्यूजीलैंड में। तो याद रखिएगा आगामी महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट जो होना है वो न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्याम सुंदर जानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। वानिकी हेतु, वानिकी में इनके प्रयासों को जो है सम्मान देने के लिए, वानिकी में इनके प्रयासों को आप कह सकते हो कि एक नई दिशा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए इनको यह सम्मान दिया है। तो वानिकी में इनके कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है, ये दिया है राजस्थान सरकार ने। किसने दिया है, राजस्थान सरकार ने दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही राजस्थान की बात आती है तुरंत आपको पता होना चाहिए रामगढ़ विषधारी जो है ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था और राजस्थान का यह 4था टाइगर रिजर्व बना था, ये आपको पता होना चाहिए। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व बना था और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व बना था। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने अभी पहले कुछ दिन पहले ही 60 भिखारियों को कौशल प्रदान कर इनको नौकरियां प्रदान की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 60 भिखारियों का कौशल प्रदान कर इनको नौकरियां प्रदान किया है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए स्टैचू ऑफ पीस ये पाली में बना है, ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में बना है। इसके साथ साथ इनकी एक योजना है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये योजना राजस्थान सरकार की है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए KBIC जो संस्था है, KBIC ने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो कि बंजर भूमि थी उन क्षेत्रों में क्या किया है कि उदयपुर का जो क्षेत्र है, विशेषकर अभी इसकी शुरुआत उदयपुर से हुई है, तो उदयपुर के जो गांव हैं वहां पे इन्होंने क्या किया है, बैम्बो जो बांस होते हैं बैम्बो को लगाने का फैसला किया, मतलब जो बंजर भूमि है उसमें बैम्बो लगाएंगे। बैम्बो लगाने से जहाँ कृषि जो वहाँ की भूमि है जो बंजर भूमि है धीरे धीरे यदि हम देखें तो उसकी जो उर्वरता है वापस आएगी, साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। और इसके लिए इन्होंने असम से 5000 बांस की कोपलें भी लाई हैं, असम से इन्होंने 5000 बांस की कोपलें भी लाई हैं जिनको यहाँ पर रोपित किया जाएगा। तो याद रखना है आपको बम्बो ओरोसिस ऑन लैंड एंड ड्राट परियोजना जो है ये शुरू की है राजस्थान सरकार ने, और इसके लिए असम से 5000 बैम्बो के आप कह सकते हैं कि बांस के कोपलें लाई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजी ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। यहाँ पे बात हो रही है टाटा टेक्नोलॉजी ने नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। क्या उत्तर है इसका, इसका उत्तर है मणिपुर। अब मणिपुर उत्तर है तो मणिपुर आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ये नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, इसलिए इनको याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है लाई हरोबा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो नोंगपोक सेकमई ये मणिपुर का पुलिस स्टेशन था जिसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, मतलब पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया था, ये आपको पता होना चाहिए। नोंगपोक सेकमई ये भी मणिपुर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लोकटक झील देखने को मिलता है और यहाँ पे किबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है जो कि विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामझाओ। और यहाँ पे हिरण की एक विशेष प्रजाति भी पाई जाती है जिसका नाम है संगई हिरण।
ठीक है। तो याद रखिएगा, संगई हिरण भी यहीं पर पाया जाता है लोकटक झील में, किबल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी मणिपुर के संदर्भ में आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलो इसको बताएं, यहाँ पे एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये किसके द्वारा लिखी गई है यहाँ पे बताना। चार नाम दिए हुए हैं, इन चारों नामों में से कौन सा इसके लिए सही उत्तर है। देवव्रत मुखर्जी, इंदिरा नुई, विजय गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है बी विकल्प, इंदिरा नुई। इसको बताएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने वार्षिकांक में इसको रखा था क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसलिए दोबारा यहाँ पर भी रखा है। बोला जा रहा है, हाल ही में लालंदर या सहतूत बांध चर्चा में रहा है, लालंदर सहतूत बांध का निर्माण कहाँ पर प्रस्तावित है। लालंदर या सहतूत एक ही बात है, इसका जो प्रस्ताव है ये अफगानिस्तान में, भारत सरकार अफगानिस्तान की सरकार की मदद से इसका निर्माण कराने जा रही थी। इससे विशेषकर काबुल का जो नगरीय क्षेत्र है उसको पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होती, साथ ही साथ काबुल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती। अब यहाँ पर बात हो रही है अफगानिस्तान की, तो आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। जैसे आपको पता है एक बांध हमने और बनाया है यहाँ पे, जिसका नाम था मैत्री बांध या सलमा डैम। तो याद रखिएगा, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सलमा डैम कहाँ पे है, तो अफगानिस्तान में है, भारत सरकार ने बनाया था। इसके साथ साथ कुछ बांध और बता रहा हूँ, ये आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है। पहला है वहतान बांध, वहतान बांध, और दूसरा आपका है थ्री गॉर्जियस डैम, थ्री गॉर्जियस डैम, थ्री गॉर्जेज डैम और बहतान बांध, ये दोनों याद रखने हैं। थ्री गॉर्जेज डैम जो है ये विश्व का आप कह लीजिए कि सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। दूसरा है बहतान बांध, बहतान बांध जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो याद रखिएगा, थ्री गॉर्जेज डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है, दूसरे स्थान पे आता है बहतान बांध जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, और ये दोनों बांध आपको देखने को मिलेंगे चीन में। चीन की एक नदी है जिस पर ये देखने को मिलते हैं, उसका नाम है यांगत्ज़ी, ठीक है। ये नदी है चीन की, यांगत्ज़ी नदी है जहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। तो थ्री गॉर्जेज डैम और बहतान बांध आपको देखने को मिलते हैं चीन में, जो विश्व के क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पे सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, और ये यांगत्ज़ी नदी पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताएं, माउंट सुमेरु किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सुमेरु किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है आपको बताना है, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या न्यूजीलैंड। माउंट सुमेरु बहुत ही आप कह सकते हैं कि तबाही मचाने वाला ज्वालामुखी है। बताएं कहां पर है, देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिलता है पूर्वी जावा में, मतलब ये संबंधित कहाँ से है, इंडोनेशिया से। पूर्वी जावा में देखने को मिलता है, जावा का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसको महामेरु के भी नाम से जानते हैं, महामेरु, महामेरु के नाम से भी इसको जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको बताएं, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच सीधी कार्गो फेरी सुविधा प्रारंभ की गई है आपको बताना है। कार्गो फेरी सुविधा किसके बीच प्रारंभ की गई है आपको बताना है। यहाँ पे आपके कुछ नाम दिए हुए हैं, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव या भूटान। चलें बताएं, नोट कर लीजिएगा, ये बताई गई है भारत और मालदीव के बीच, इसको नोट करिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, बताएं, मई 2021 में जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन भेजी गई। तो शाही लीची का संबंध किस राज्य से है, शाही लीची जिसको जीआई टैग प्राप्त है, पहली खेप ब्रिटेन भेजी गई है, तो पूछा जा रहा है इसका संबंध किस राज्य से है, बताएं। सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि भारत का जो स्थान है लीची उत्पादन में वो दूसरा है, चीन के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर भारत आता है।
लीची के उत्पादन में, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें शाही लीची संबंधित है बिहार से। बिहार के कुछ और जीआई टैग हैं जैसे जरदालू आम, ये भी आपको पता होना चाहिए बिहार का है, जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल, ये मुंगेर से संबंधित है, कतरनी चावल इसको भी जीआई टैग मिला है, बिहार से संबंधित है। मगही पान इसको भी जीआई टैग मिला है, बिहार से संबंधित है। और इसके बाद आता है शाही लीची। तो ये चार जीआई टैग आपको बिहार के संदर्भ में पता होना चाहिए। जरदालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची, चारों के चारों का संबंध बिहार से है। चले आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, ये भी महत्वपूर्ण है। बोला जा रहा है जुलाई 2021 में जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं, क्या नाम लिया जा रहा है यहाँ पे, भालिया गेहूं, नोट कर लीजिएगा, भालिया गेहूं की पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। भालिया गेहूं किस राज्य से संबंधित है? अभी आपने देखा शाही लीची ब्रिटेन को निर्यात की गई, यहाँ पे बोला जा रहा है भालिया गेहूं जो है ये केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई। तो भालिया गेहूं जो है इसका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात, बताएं किस राज्य से है? आपको बता दें इसका संबंध है गुजरात से। गुजरात का भाल क्षेत्र, एक गुजरात में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं भाल क्षेत्र, और उसी क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। भाल क्षेत्र के यदि अंतर्गत हम देखें तो इसके अंतर्गत आनंद आता है, आनंद हो गया, अहमदाबाद का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, आनंद हो गया, अहमदाबाद हो गया, खेड़ा हो गया, भावनगर का क्षेत्र हो गया जो कि इसके नगर इसके अंतर्गत आता है। तो गुजरात के भाल क्षेत्र का उत्पादन, भाल क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है जिसको बोलते हैं भालिया गेहूं। तो याद रखना है कि गुजरात से संबंधित है और पहली बार केन्या और श्रीलंका को इसका निर्यात किया गया है, इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बार बार कह रहा हूँ कि राज्यवार नोट कर लीजिएगा, राज्यवार एक एक पेज बना लीजिए और उसमें चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़ें। बहुत अच्छा नोट्स यदि आप देखोगे 2 महीने में ही तैयार हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या झारखंड, चार राज्य दिए हुए हैं और आपको बता दें इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 75,000 महिलाओं को बैंक से सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक से सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे ये अपना स्वयं का कुछ कार्य शुरू कर सके और इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का लाभ भी इनको दिलाया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब महिला सशक्तिकरण से संबंधित एक योजना है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, लखनऊ यहाँ की राजधानी है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूपी का पहला डॉल्फिन रिजर्व बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? यूपी का पहला जो डॉल्फिन रिजर्व है ये बन रहा है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। याद कर लीजिएगा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलेगी मेरठ में। तो याद रखिएगा दूसरे शब्दों में कि यूपी का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहाँ बन रहा है? मेरठ में बन रहा है, या आप कह लीजिए हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बन रहा है। दूसरा, पूरे भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट ये बन रहा है मथुरा में। ठीक है, पूरे भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है मथुरा में, और मथुरा में ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की फैक्ट्री है, शोध कारखाना है जहाँ पे ये बन रहा है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इसको बनाया जा रहा है। याद रखिएगा पूरे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये मथुरा में बन रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित एक और फैक्ट याद रखिएगा, उज्ज्वला 2.0 अभी शुरू की गई। ठीक है, तो उज्ज्वला 2.0 है शुरू कहाँ से की गई? उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू की गई। अब यहीं पर एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि उज्ज्वला 1.0 कहाँ से शुरू की गई थी? तो उज्ज्वला 1.0 शुरू की गई थी बलिया से। तो याद रखना है कि उज्ज्वला योजना, चाहे 1.0 की बात की जाए, चाहे 2021 में शुरू की गई
2.0 की बात की जाए, दोनों की जो शुरुआत हुई है वो उत्तर प्रदेश से हुई है। 1.0 जो उज्ज्वला का पहला चरण था उसकी शुरुआत जो हुई थी बलिया से हुई थी। उज्ज्वला के दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो महोबा से हुई है। और दूसरे चरण में विशेषकर ऐसे नागरिक, ऐसे भारतीय नागरिक जो दूसरे राज्यों में जाकर नौकरियां करते हैं, दूसरे राज्य में जाके मजदूरी का कार्य करते हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है कि अब उनको भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यह याद रखना है आपको कि उज्ज्वला 1.0 उज्ज्वला 2.0 से किस प्रकार से अलग है और कहां से इसकी शुरुआत की गई है, इसको बताएं। कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता किसने दी है? अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता किसने दी है? आप जानते हैं कोविशील्ड वही वैक्सीन है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था, एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया था, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है जिसके प्रमुख हैं अदार पुणे वाला, उनके फैक्ट्री के द्वारा इसको निर्माण भारत में किया जा रहा है। तो कोविशील्ड को अभी हाल ही में मान्यता दी है इटली ने। इटली वही देश है जहाँ के कैसिनो शहर में भारत के सैनिकों के लिए जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे एक स्मारक भी बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? कौन सा देश है जिसने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? तो ये देश है आपका चीन। चीन ने सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया। 18वां और लास्ट, हाल ही में किस राज्य में अगले विधानसभा सत्र में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? बताएं किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है? तो ये राज्य आपका है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए, आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी यहीं पे समाप्त होती है। कल से पुनः 8:30 बजे हम आपके साथ मिलेंगे, सुबह 8:30 बजे उपस्थित रहिएगा। और इस सीरीज को जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से नोट्स बनाते हुए चलिए, आप भी देखोगे कि 2 से 3 महीने में आपका बेहतर नोट्स भी तैयार होता है और उस नोट्स के माध्यम से आप क्विक रिवीजन भी कर पाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।